हेलो फ्रेंड्स आई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विनोद जांगड़ा एक लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रिय विद्यार्थियों आज के अपडेट्स गवर्नमेंट जॉब से यानी रिजल्ट से संबंधित है तो ये देखिए यहाँ पे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तीस चार दो हज़ार बीस को कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है यानी रिजल्ट जारी कर दिया गया है काफ़ी दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था कि भी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती राजस्थान में थी उसका रिजल्ट कब आएगा तो आज चार ट्रेड का रिजल्ट आया है तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे टोटल कितनी पोस्ट थी और कितनी मेरिट गई है और इस मेरिट को निकालने के लिए कौन से फार्मूले का प्रयोग किया गया है जो मैं वीडियो के अंत में आपको काफ़ी इजी तरीके से बताने वाला हूं। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों जिन विद्यार्थियों का कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के अंदर सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत तो आइए देख लेते हैं टोटल पद कितने थे आर एंड ए का रिजल्ट ये रहेगा आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टोटल पद आपके थे सत्रह और इसका जो परीक्षा जो आपकी ए, कनेक्ट करवाई गई थी जो आयोजित करवाई गई थी वो आपकी करवाई गई थी चौबीस बारह दो हज़ार उन्नीस को ठीक है अब मेरिट देख लेते हैं कितनी गई है आर एंड ए की जर्नल कैटेगरी के अंदर जर्नल के अंदर जो मेरिट गई है वो गई आपकी सिक्सटी फाइव पॉइंट फोर टू फीमेल की गई है यहाँ पे सिक्सटी पॉइंट फोर सिक्स उसके बाद में एस सी जर्नल की हम देख लेते हैं सिक्सटी टू पॉइंट जीरो सिक्स तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहाँ पे दी हुई है उसके बाद हम देख लेते हैं ओ बी सी की ओ बी सी जर्नल कैटेगरी के जो विद्यार्थी थे उनकी मेरिट जो गई है सिक्सटी वन पॉइंट फोर वन उसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया वो प्रिय विद्यार्थियों आप देख सकते हो क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ वहाँ से जाके भी सीधा आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हो उसके बाद देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन वायरमैन के टोटल पद थे आपके बत्तीस और इसका परीक्षा जो आपकी कनेक्ट करवाई गई थी वो चौबीस बारह दो को ठीक है अब मेरिट देख लेते हैं कितनी गई है जनरल कैटेगरी की ये देखिए जनरल कैटेगरी की जो मैरिट है वो वायरमैन की बहुत ही ज़्यादा गई है वो आपकी सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फोर और फीमेल की गई है सिक्सटी सिक्स पॉइंट सेवन एट उसके बाद में एस की देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर सिक्सटी टू पॉइंट फोर सेवन और फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी फोर्टी फोर पॉइंट वन एट उसके बाद में एस की दी हुई है जनरल कैटेगरी के है फिफ्टी सिक्स पॉइंट टू फाइव और फीमेल की भी काफ़ी कम गई है यहाँ पे फोर्टी वन पॉइंट थ्री सेवन ओ की और जनरल कैटेगरी की देखिए बिल्कुल पैरेलल गई है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ से देखिए सेवेंटी थ्री पॉइंट जीरो फाइव ओ की गई है और जनरल की देखिए यहाँ पे सेवेंटी फाइव पॉइंट सिक्स फोर है तो प्रिय विद्यार्थियों इसके एंड में आपको बताएंगे कैसे कैसे ये मेरिट निकाली गई है अगर वीडियो को अभी तक छोटा सा लाइक नहीं गया तो प्लीज़ लाइक करते हैं क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपडेट जो समय समय पर देता रहता हूँ उसके बाद देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के टोटल पैंतीस पद थे और इसकी परीक्षा जो कनेक्ट करवाई गई थी वो तेईस बारह दो हज़ार उन्नीस को तो आइए अब देख लेते हैं मेरिट कितनी गई है इसकी तो जर्नरल कैटेगरी के लिए सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री जीरो और फीमेल कैंडिडेट के लिए सिक्सटी नाइन पॉइंट थ्री जीरो पैरल गई है देखिए फीमेल की बाकी जो कैटेगरी हमने देखी है कम गई है काफ़ी लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है फीमेल की भी पैरल गई है देखिए जनरल के मुकाबले उसके बाद में एस और एस की आप देख सकते हो कितनी कितनी मेरिट गई हुई है उसके बाद ओ की देख लेते हैं क्योंकि ओ के कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन फोर और फीमेल कैंडिडेट के लिए फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन फोर इसमें भी बिल्कुल बराबर गई है उसके बाद हम देख लेते हैं कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल इंजन ठीक है टोटल इकतीस पत्ते इसका जो परीक्षा जो आयोजित करवाई गई थी कनेक्ट करवाई गई थी वो तेईस बारह दो हज़ार उन्नीस की आइए अब देख लेते हैं कितनी मेरिट गई है तो ये देखिए मेरिट प्रिय विद्यार्थियों जनरल कैटेगरी के, के अंदर बड़ी हाई मेरिट गई है ये देखिए यहाँ पे सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर जीरो फीमेल की थोड़ी हम कम कह सकते हैं फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स टू उसके बाद में एस की भी जनरल कैटेगरी के अंदर देखिए सिक्सटी एट पॉइंट डबल सेवन और एस की काफ़ी कम गई है यहाँ पे जनरल कैटेगरी में फोटी नाइन पॉइंट डबल सिक्स उसके बाद में देख लेते हैं अब क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका क्राइटेरिया से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये जो चार जो ट्रेड थी अपनी शुरू में थी आर एंड एस सी वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और लास्ट में थी डीजल मैकेनिक इन चारों की इंसियल क्वालिफिकेशन जो रखी गई थी वो सी या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा थर् ईयर कुछ विद्यार्थियों ने बी लेवल पर अप्लाई किया था लेकिन वो इसके अंदर एलिजिबल नहीं है इसलिए उनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है तो प्रिय विद्यार्थियों ये छोटी सी अपडेट थी आइए आप जान लेते हैं कैसे कैसे ये मेरिट आपकी बनाई गई है दूसरा आपकी जो एस एस ओ आई डी है उसके ऊपर प्रत्येक विद्यार्थी का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसके अनुसार भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्योंकि ये जो फार्मूला है बिल्कुल एज एट ई सारा उसको स्टडी करने के बाद ही बनाया गया है तो ये देखिए टोटल जो नंबर थे आपके पेपर के चारों जो ट्रेड थी उसमें सभी का जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवाया गया था वो डेढ़ सौ नंबर के क्वेश्चन थे आपके ठीक है मैक्सिमम नंबर आपने मान लीजिए कि एक सौ बीस लिए हैं कितने में से डेढ़ सौ में से उसके बाद वेटेज प्रतिशत सत्तर परसेंट सत्तर परसेंट विद्यार्थियों इसलिए रखा गया है क्योंकि तीस प्रतिशत जो वेटेज है वो सी टी आई विद्यार्थियों को के लिए इन्होंने रखा हुआ है उनको तीस प्रतिशत जो वेटेज है वो पहले ही दिया हुआ है उस क्राइटेरिया के अंदर भी आप उसको पढ़ सकते हो अब सत्तर परसेंट जो वेटेज जो रहेगा वो नॉन सी टी आई विद्यार्थियों के लिए रहेगा जिनके पास सी टी आई नहीं है उनका सभी का मार्क्स कैलकुलेशन वो सत्तर प्रतिशत के अनुसार ही किया जाएगा ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है 120 आपने 150 में से लिए हुए हैं 70 वेटेज प्रतिशत हमने यहाँ पे लगा दिए हैं ठीक है 150 टोटल अंक थे इस फार्मूले को लगाने के बाद हमारा आंसर आता है छप्पन प्रतिशत यानी जिस विद्यार्थी ने 150 में से 120 नंबर लिए थे उसकी मेरिट बनती है नॉन सी टी उसके बाद अब देखते हैं सी विद्यार्थियों के लिए क्योंकि वेटेज पहले ही दिया हुआ है थर्टी तो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एट्टी प्रतिशत इसलिए लिया हुआ है क्योंकि विद्यार्थी जब सी करता है तो सत सेवेंटी फाइव और एट्टी मैक्सिमम नंबर आते ही हैं तो मैंने एट्टी ले लिया है तीस परसेंट वेटेज दिया हुआ है ठीक है ना प्रतिशत निकालने के लिए मैंने सौ लगा दिया है तो इसमें हमारा आंसर निकलेगा चौबीस और ये आपका छप्पन है और चौबीस है इनको प्लस करने के बाद हमारा आंसर आता है एट्टी तो एट्टी मेरिट मतलब विद्यार्थियों की गई है क्योंकि जो तीस परसेंट सी को वेटेज दिया जाता है वो काफ़ी हाई है यानी बीस नंबर से तो ऊपर सभी विद्यार्थियों को मिले ही मिलेंगे बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस कुछ विद्यार्थियों हो सकता है एटी से ऊपर भी हों पच्चीस नंबर भी वो ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी इन जिन विद्यार्थियों के पास सी टी है उनके काफ़ी चांस हैं सिलेक्शन होने के और दूसरा ये रहेगा कि भी जिन विद्यार्थियों के पास नॉन सी टी है तो वो देख सकते हैं इनकी मेरिट कितनी लो रह गई है दूसरा आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है क्योंकि डीजल मैकेनिक की जो मेरिट हमने देखी थी वो कितनी थी सेवेंटी सिक्स पॉइंट कुछ थी है ना तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए रख दिया गया ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए तो प्रिय विद्यार्थियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें शेयर करें और फिर मिलता हूँ एक नए अपडेट के साथ तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम